अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी आपका होस्ट, आपका मेज़बान आमिर, और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टॉक विद आमिर। गाइस, आज का एक छोटा सा व्लॉग और छोटा सा एक टूर जो है वज़ीर ख़ान मस्जिद, बहुत ही पाकिस्तान में मुग़ल अम्पायर की एक बहुत ही फेमस जो मस्जिद है वज़ीर ख़ान, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम इंटर होंगे, सारी की सारी डिटेल जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जोहर का वक्त था, नमाज़ पढ़ी है, तो माशाल्लाह सुकून आ गया। तो अभी बहुत ही वसी इसका जो है अहाता है, तो इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हम ये कितने फीट इसके मीनार्स हैं कितने, और भी काफ़ी बातें होगी आपके साथ, मेरे साथ रहना अपने, और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। तो दिस इज़ गाइस, वी आर एंटरिंग इन वज़ीर ख़ान मस्जिद। अगर हम बात करते चलें, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया गया इसका, आप देख सकते हो हर एक चीज़ जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा तो गाइस, ये जो आता है ये बहुत ही ठंडा है, ठीक है, क्योंकि इसके जो आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड स्टोन के वो बनी हुई है, ठीक है, जिसे हम चूना भी कहते हैं, लाइमस्टोन की। जैसे ही हम इंटर होते हैं एक वसी आता है हमारी नज़रों के सामने आता है, ठीक है, 107 इसकी हाइट है, इसकी इन चार मीनार्स की। वज़ू के लिए, क्योंकि मस्जिद भी है, वज़ू के लिए यहाँ बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो यहाँ वज़ू कर सकें। अच्छा तो गाइस, ये चार मीनार इसके हैं, इसकी हाइट जो है वो 107 फीट है। जब ये बिल्ड हुआ था, जब ये मस्जिद बिल्ड हुई थी, तो 22 इसकी शॉप्स जो बनाई गई थी, और इस चौक का जो नाम था वो वज़ीर चौक रखा गया था। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, जो अपनी क्योंकि ये शाहजहां के दौर का है तो ये फेमस है, तो इसलिए हर एक बंदा जो है वो देखने के लिए आता है। क्योंकि माशाल्लाह मस्जिद का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो आउटस्टैंडिंग है, शाहजहां के दौर में ये बनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त का जो गवर्नर था वो वज़ीर ख़ान था, दीना नासरी था, ठीक है, अलमारूफ उसे। जो दीना नासरी था वो एक्चुअली गवर्नर था, ठीक है, उस वक्त का, तो जिसके नाम पे ये जो मस्जिद का नाम रखा गया, ठीक है, और इसके बाहर जो चौक है उसे वज़ीर चौक कहा जाता है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चौक बनाया गया था, तो 22 उस वक्त शॉप्स बनाई गई थी यहाँ। बहुत ही बड़ा आता है, बहुत ही बड़ा आता है, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ भी थोड़ी सी रेनोवेशन हो रही है, ठीक है, जो डेंटिंग मेंटिंग है वो करके क्लियर हो जाएगा, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। यहाँ एक दरबार भी देखने में नज़र आ रहा है, तो उसका भी विज़िट करवाएँगे आपको। अभी हम अंदर जा रहे हैं,
मस्जिद वज़ीर ख़ान वॉज बिल्ट इन 1634-35 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां बाई इल्मुद्दीन दिनानसारी नॉन एज नवाब वज़ीर ख़ान हु वॉज गवर्नर ऑफ लाहौर. द मॉस्क वॉज कम्प्लीटेड इन अबाउट 7 years. द मॉस्क इज बिल्ट विथ स्मॉल ब्रिक्स लेड इन कंकर लाइम. द आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर फीचर्स आर इट्स ऑक्टागोनल फोर कॉर्नर मिनरेट्स 107 फीट हाई डेकोरेटेड विथ मोज़ेक टाइल्स. अ बाजार कंसिस्टिंग ऑफ 22 शॉप्स फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्लान ऑफ द मॉस्क विच इज़ द फर्स्ट एवर प्रोवाइडेड इन अ मॉस्क. The shops are in two parallel rows with a brick paved passage in between. The mosque covers an area 279.5 feet high and 159 feet wide, out of which the prayer hall occupies an area of 131 cross 42 feet and is divided into 5 compartments by means of 4 The entire floor is built in cut and dressed small brickwork laid in some 13 patterns. The open area on the east of the mosque complex measuring 150 cross 102 feet is known as Chowk Wazir Khan. Its original floor still exists about 5 feet below the present ground level. The drainage in the Mughal period was by means of gharkis, means wells. The chowk has 4 big gates of which 2 still exist and 2 other are now to be ended up.
पेश ये तकरीबन 800 साल पुराना है, बनने से 400 साल पुराना। जी तो गाइज़ आई होप सो कि आपको वज़ीर ख़ान मस्जिद का सारा जो बायोडाटा था वो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और इस तरह की ताकि हम मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक लाते रहें। माशाल्लाह मुझे यहाँ आके बड़ा सुकून मिला है, जहर की नमाज़ भी पढ़ी है, ये सेहन माशाल्लाह वज़ू के लिए भी बड़ा अच्छा है और इसके साथ साथ मस्जिद का इंटरनल जो आर्किटेक्चर है वो सबसे बेहतरीन है। और ये एक्चुअली शाहजहाँ के दौर में बना है और जब वहाँ के दीना नासरी जो थे गवर्नर थे, जिन्हें अलमारूफ वज़ीर ख़ान भी कहा जाता है, ठीक है, उनके दौर में ये उन्हीं के नाम पे ये मंसूब हुई है मस्जिद। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट अभी आए भी हुए हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं फॉरनर्स हैं जो अपना यहाँ से शूट करके आगे क्या कहते हैं कि अपने अपने चैनल्स पे, ताकि हमारे पास जो असास है उसको वो संभाल के रखें। और एक और मैं बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, माशाल्लाह हमारे पास बहुत से असास ऐसे हैं जो हमारे मुग़ल आज़म दौर के थे, ठीक है, तो हमें चाहिए कि इन असासों का हम ख्याल रखें, ठीक है, ताकि मज़ीद इस तरह के जो टूरिस्ट हैं वो आएँ यहाँ आके विज़िट करें और अपने साथ लेके जाएं, इस तरह की मेमोरीज जो होती हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।